हमदान, हमदान रुको रुको तो सही। हमदान मेरी बात सुनो, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, फिर क्यों परेशान? मैंने खुद पे बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है जहान, हमारा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमदान क्या मतलब, बताओ मुझे क्यों मुश्किल से कंट्रोल किया है? हमदान सब ठीक तो है ना, किस बात की परेशानी है तुम्हें, बताओ मुझे हमदान। बाबा मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। असलान बे की बहू गोनल सबको यही बता रही है कि आजाद ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए आजाद पे गोली चलाई। क्या ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। असलान बे वाले ऐसा ही है, वो कोई भी घटिया हरकत कर सकते हैं, ऐसे इल्जाम उनके लिए मामूली बात है। ये गोनल झूठ बोल रही है, कैसा इल्जाम लगाया हम पर? आजाद हरगिज ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। देखें बाबा, अगर वाकई उस लड़की ने यही सब कुछ बताया है और ये बात अजीजा तक पहुंची तो वो जरूर यहाँ आकर हंगामा करेगी। वो ये नहीं मानेगी कि पहल उनकी तरफ से हुई थी, फिर क्या करेंगे? अंदर एक बात बताओ मुझे, तुम वो लड़की ये इल्जाम लगा रही है, तुम्हें किसने बताया? मैं जानती हूँ बाबा, वो लोग हमारे बच्चों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसलिए खबर रखनी पड़ती है। अब बस करें अम्मी, क्योंकि इस बात का ताल्लुक हम सब से है, माफ कीजिएगा मुझे। मगर मैं दादा से कुछ नहीं छुपा सकती हूँ। दादा, अम्मी ने असलाम बहवेली में मुखबिर छोड़ा हुआ है। हमदान, तुम्हारा दिमाग तो शैतान की तरह चलता है, दूसरों की चालें चलने से पहले ही अपनी चालें बना लेती हो। असल में बाबा देखे, मैं बताती हूँ आपको, हमें दुश्मन पे नजर रखनी पड़ेगी। क्यों? हमदान, इस बार बिल्कुल सही हो तुम। ये सब गलत है खानदान, ऐसा हमारे खानदान में कभी नहीं हुआ है। हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, ये बात मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ जहरा, इसलिए तुम तो खामोशी रहो। रेयान, मेरी बच्ची। कैसी हो तुम? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। क्या हुआ था मुझे बताएं। अजीजा असलान बे, वीरान मुझे कहाँ लेकर गया है वो जानती थी, और वो वहां पर पहुंच गई। बताए मुझे आजाद भाई को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है, ठीक है? अनजान बन के क्यों पूछ रही हो, तुम्हारी वजह से ही तो गोली लगी है उसको। क्या गोली लगी है? क्या हुआ है आजाद भाई को? हाँ वो ठीक है, अपने रूम में आजाद। गोली किसने चलाई बताओ मुझे।